हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पीटीआई टीचर्स की सुप्रीम कोर्ट में ठीक ढंग से पैरवी नहीं हुई, जिसके कारण उनकी नौकरी चली गई है। अगर सरकार ठीक ढंग से पैरवी करती तो करीब 2000 परिवार बेरोजगार ना होते। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय चौटाला द्वारा शराब घोटाले के मुख्य आरोपी भूपेंद्र सिंह के साथ भूपेंद्र हुड्डा की साठगांठ के आरोप पर कहा कि उनके पास कोई पैसा नहीं आया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में सरकार घोटालों की सरकार बनकर रह गई है और जनता बड़ौदा उपचुनाव में इसका बदला लेगी। जो पीटीआई का मामला है, इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उनका केस अच्छी तरह नहीं पेश किया। अगर वहाँ किया होता तो ये नौबती नहीं आती और ये इनके नौकरी से हाथ देते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और होता। लेकिन फैसला होने के बाद भी सरकार को अपनी संवैधानिक ताकत इस्तेमाल करके इनको नौकरी में बरकरार रखना चाहिए। रास्ता निकल सकता है, रास्ता निकालना चाहिए। उपचुनाव का वक्त है लेकिन पीटीआई टीचर अभी मुख्यमंत्री के फील्ड में गए तो पीटीआई टीचर्स ने मुख्यमंत्री का घेराव किया, इसको आप कैसे देखते हैं इस समय? ठीक है, उनको बड़ौदा उपचुनाव में मुद्दा अब दो दस दस साल जो रहे हैं, क्योंकि जो उनकी वो किया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, उनकी मेरिट पे नहीं क्वेश्चन हुआ है, वो तो एक टेक्निकल ग्राउंड से हुआ है, तो उनका मेरिट कहीं डिस्कस नहीं है और कोई इशू नहीं है वहाँ। तो जिस प्रकार से तो उनके लिए रास्ता ढूंढा जाना चाहिए, ढूंढा जा सकता था, ढूंढना चाहिए। सर, बड़ौदा उपचुनाव जो है वो बहुत पास है, सरकार ये कह रही है कि शायद सितंबर के आखिर तक हो सकता है, क्या इश्यूज आपको लगता है और किस तरीके से फाइट करेगी कांग्रेस? कांग्रेस तैयार है और लोग भी तैयार हैं, क्योंकि जितने इस दौरान घोटाले हुए हैं, एक के बाद एक हो ही रहे हैं। अभी लोग इस प्रकार से अच्छी तरह समझते हैं कि सरकार जो बिल्कुल विफल सरकार है, ना किसान के हित का कोई फैसला लिया इसने, ना गरीब आदमी के हित का लिया, ना व्यापारी, ना कर्मचारी, ना किसी के हित का फैसला लिया, एक वर्ग भी सरकार से संतुष्ट नहीं है। तो सब इंतजार कर रहे हैं किस दिन चुनाव हो और किस दिन। सर, क्या आपको लगता है कि बड़ौदा का जो चुनाव, उससे पहले सरकार अपनी मशीनरी का दुरुपयोग कर सकती है? जो एजेंसीज हैं, हालांकि उन्हें ये बताया जाता है, उन एजेंसी का दुरुपयोग करके कोई दबाव बनाने का काम जो है वो कांग्रेस नेताओं का कर सकती है? ऐसा है, बड़ौदा के लोग दबाव मानने वाले नहीं, आपने देखा, ना प्रलोभन मानते हैं ना दबाव मानते हैं, तो जनहित में फैसले लेंगे। क्या उनके हित में है वो समझते हैं कि चुनाव का साल एक दो महीना जो है सरकार सब सौज भाग दिखाती रहेगी, बाद में 6 साल में कुछ नहीं किया तो एक दिन के बाद क्या करेगा। सर, एक आरोप आपके ऊपर ये भी लग रहा है कि अब कांग्रेस में आप ज्यादा वक्त नहीं रहने वाले हैं, ये जो मंत्री हैं बीजेपी के वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि भी कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, भूपेंद्र हुड्डा पहले प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलकर के आए थे और वो उस वक्त आपके मित्र थे, इस बात के दबाव ही है, वो रंजीत सिंह ये बात कह रहे हैं, तो इन तमाम आरोपों को प्रधानमंत्री को मिलते हैं, क्या बात है, रंजीत सिंह जी मेरे मित्र हैं और प्रधानमंत्री मेरे साथ 6-10 साल मुख्यमंत्री रहे, मेरे साथ बैठते रहे, वो कोई राजनीतिक वो नहीं है, व्यक्तिगत वो है। और जहाँ तक व्यक्तिगत, आपको मालूम है कि मेरी पार्टी कांग्रेस है और कोई आज से नहीं है, वही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। एक सर निजी एलिगेशन लगाया है अभय सिंह चौटाला ने, तो नेता विपक्ष, उन्होंने कहा है कि मेन एक्यूज जो भूपेंद्र है शराब घोटाले के, वो आपके आदमी है और चुनाव में चंदा दिया था। अच्छा, चंदा किसके द्वारा भेजा था? मेरे ख्याल में अभय सिंह चौटाला जी ही लेके आए होंगे, मेरे नाम का मेरे तक तो पहुंचा नहीं, जो उनको पता है। अच्छा, वही लेके, नहीं तो मेरे को क्या पता, उनको अमाउंट भी पता है, ये भी पता है, तो उसी को हो सकता जो लेके आया, हो सकता मेरे नाम से ले आए हूँ। एक सर, जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं, घोटाला सब हुआ सर, जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं, ये कहा अभय सिंह चौटाला ये भी कह रहे हैं विपक्ष के नाते कि 9 घोटाले हुए हैं सरकार में, और अभी अभय सिंह चौटाला जी तो भाई, वो मैंने पहले भी कहा था, बासी कड़ी में उबाल आ रहा है, बाकी कुछ नहीं। सर, आने वाले समय में आप कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, जो आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, अगला चुनाव जो है वो आप कांग्रेस के साथ ही रखने वाले हैं, उनको क्या जवाब देना चाहते हैं जो इस तरीके से? कहां से उन्होंने,
हाउस में हूँ। सर कई घोटाले देखने के लिए मिले हैं सरकार, 9 घोटाले हुए हैं, 900 ऊपर घोटालों पर क्या कहेंगे सर, उन पर क्या कहना है सर? घोटाले घोटाला सरकार है, घोटाला घोटाला है, बाकी घोटाले में खुलासा कल भी करेंगे। सर कि सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं हम, तो हम ऐसी चीजें कर रहे हैं कि घोटाले ना हो। कह रहा कुछ करना कुछ सरकार की है, इवेंट मैनेजमेंट इनके कार्यशैली है। उनके बीच का विवाद देखने के लिए मिल रहा है, मुख्यमंत्री भी इसमें कहीं ना कहीं पार्ट प्ले करते नजर आ रहे हैं और गृह मंत्री का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा होता है, ऐसी बातें क्यों होती और क्यों नहीं, फिर लोग क्यों नहीं खुश होते? लोग खुशहाल होते ठीक चला, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, विफल सरकार है।